ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? कौन ही मार दूंगा, बता दे क्या बात है, मस्का लगा रहे हैं यहाँ आए क्या? पापा मैं कह रहा था। क्या कह रहा था? अरे क्या होएगा, क्या बात है, कुछ बताएगा अभी? मैं कह रहा था मेरे दोस्त घूमने जा रहे हैं मनाली। अच्छा हाँ, तो कुछ पैसे चाहिए घूमने के लिए। कितने पैसे चाहिए? तकरीबन 2-2.5 लाख। 2-2.5 लाख रुपए? तेरे बाप ने देखे ना आज तक, तुझे दे दे साले, कोनी मार दूंगा, जाके पढ़ ले जाके, पढ़ने लिखने का तो काम है ना तुझे। देखो पापा, पहली बार तो कुल्लू मनाली जाऊंगा, तो पैसे दे दो घूम के आऊंगा। आज तक हम अपने खेत से आगे लगे, तुझे भेज दो कुल्लू मनाली। हाँ मुझे भेज दो, मैं तो आज लौंडा ना हूँ। लात मार दी ना साले, वहाँ जाके गिरेगा, बता रही हूँ मैं। सुन तो लो, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? पहली बार तो वो कहीं घूमने जा रहा अपने दोस्तों की गैल, और तुम पैसे ना दे रहे, ये तो गलत बात हो गई। थोड़े से मांग रहा, पूरे 2.5 लाख रुपए मांग रहा है। अरे पापा ज्यादा कहाँ है, बस 19-20 का फर्क है। 19-20 का फर्क है? 19-20 का फर्क है साले, 19 लाख का अंतर है, बता रहे हो कट जाएगा मुझसे। मार गिर रहे हो तुम, पैसे ना देने तो मत दो। अरे बात ऐसी कर जाए, पिटने वाले तो काम कर जाए खुद ही। इतने पैसे का करोगे क्या, छाती में लेकर मारोगे क्या तुम? अरे आज तक हमने 2.5 लाख रुपए खर्च ना करे, यू 2.5 लाख रुपए इकल्ला मांग रहा हूँ। और नरक में तो काम भी ना दे पैसे, स्वर्ग में तो अभी जहाँ काम। तो तुझे कैसे पता तेरा बाप नरक में जाएगा? एक नंबर का लंडेबाजी है साले, कौन नहीं मार दूँ बता रहे हो, इसे ले जा बता रहा हूँ, कट जाएगा मुझसे। बता दे रही हूँ लंडे पे कुछ छोड़ छोड़ मत, ये सही कह रहा तुम हो ही ऐसे। कई कांडो चाल जी के घर था ये। हाँ साला, मुझे लगा कट्टा दिखाई दे रहा, बता रही हूँ यहाँ। कांडो घर क्या कर रहे हैं तुम? अरे बस दूध लेने गया था। दूध लेने? हमारी भैंस दूध ना दे रही, जो उसकी भैंस का दूध पियोगे तुम? अरे तू पानी मिला के दे पाया तू मुझे। अच्छा वो पिला रही तुम्हें प्योर दूध? और आज के बाद उसके घर ना देख लो, वरना मुझसे बुरा कोई होने का नहीं है। अरे तू पानी मिला के मत दिए, मैं जाने का ही ना हूँ। छोड़ो मुझे, पैसे तो मैं जा रहा हूँ, लेट हो रही हूँ, दोस्त खड़े खड़े लेके। अरे मैंने इधर पैसे पैसे मेरे दोस्त खड़े खड़े लेके, अगर उन्हें ये बात पता लग गई कि लबिस का बाप पैसे ना दे रहा तो बेइज्जती हो जाएगी, वो बेइज्जती मेरी नहीं होगी तुम्हारी होगी। अच्छा तू ये बता करेगा क्या वहाँ जाएगा? अरे वहाँ जाएगा मेरे अपने साथ खेलूंगा, ऊपर से बर्फ आवे इतने मोटे मोटे डेले, उन्हें पकड़वा कैच करके। अगर तेरे ऊपर बर्फ गिर गया ना साले, तेरा पता होना चलने का, बता रही हूँ मैं। इतनी आगे तक की क्यों सोच रहे हो तुम, पैसे दे दागे हाथ दो। अरे मेरे पे 1 रुपया 20 के ताई है। कोई बात है मत दो, जा रहा हूँ घर छोड़ के, न खाना खाने का हूँ, न पानी पीने का हूँ, न पेशाब करने का हूँ, न टिक्की करने का हूँ, पैसे जाऊंगा। अरे निकल जा जा, निकल जा जा। अरे सुन तो ले, साले बता रहा हूँ, सुन तो ले, बढ़ गई तुम्हारे कलेजे को ठंडक, भगा दिया लौंडा घर से। अरे तैनी तो सिर पे चढ़ा रखा है, तैने तैने एक ही तो लौंडा ले दे गए, उसे पैसे दे दे तो क्या हो जाता, बिगाड़ ले इसे बिगाड़। हाँ बिगड़ने को तुम ज्यादा सुधरे हुए हो, तुम पे गया बिल्कुल। मुझ पे न गया, तुझ पे गया आयु। बस रुक जाओ, मुझे सब पता किस पे गया किस पे ना, मेरा लौंडा और भगा दिया। और हाँ मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है, और ये मत सोचियो कि मैं तुम्हें रोटियां सेक के दूंगी। अरे मत दे बे, हम खुद खा लेंगे सेक के, और हमसे ना सीखेगी टांडो घर खाई जाएंगे जाके। मुझे तो पता ही था टांडो चक्कर चल लिया, तुम तो हो ही ऐसे। ताजी रोटी देगी? हाँ खाते रहियो, जा रही हूँ मैं अपने घर। अब मैं भी जा रहा हूँ उसके घर को ले। अब तू कैसा उदास बैठा भाई, बड़ी देर हो गई देख रहा हूँ, कुछ बोल नहीं रहा यार, दिमाग खराब हो गया यार। क्यों? अब यार सेटिंग का बर्थडे आ रहा। हाँ वो नु कह रही है मुझे फोन गिफ्ट करो, तो कर देना। पैसे तो ना है जेब में एक भी, तो फिर सेटिंग छोड़ दे, चट्टू मार दूंगा, मोहब्बत है सच्ची वाली, प्यार है उससे, ब्याह करूंगा उससे ही। अच्छा जी, नहीं भगा के लानी पड़े तो फिर 25,000 रुपए देने पड़ेंगे, जब तो भगा गया, ऐसा कोई आ रही वो, तभी तो कह रहा हूँ 25,000 रुपए देने पड़ेंगे। फोन मांग रही है, मोटरोला का नया फोन आया, मोटरोला का एक। अच्छा हाँ, तो एक काम कर अपने बापू को चुरा ले, मेरे बुड्ढे का नोकिया का फोन है वो, इतना सा। अबे फोन को ना कह रही है, पैसे कह रहा हूँ, पैसे चुरा ले। क्या चुरा लूं उसका, आज सुबह नरेगा में काम करके आया वो, 200-200 रुपए की मजदूरी करता घूम रहा वो। तो भैया एक ही रास्ता आप, तो क्या सेटिंग छोड़ दे, मैं मुंह पर चट्टू मार दूं, सेटिंग नहीं छोड़ने का हूं, चाहे मुझे चोरी डकैती कुछ भी करनी पड़े, मुझे 25,000 रुपए चाहिए कल तक कैसे भी करके, तुझसे कह रहा हूं क्लियर बात। तो मैं कहां से लाऊं यार, मैं कोई बनाऊंगा, कोई मेरे पे पैसे बनाने की मशीन रखी है? अरे मुझे ना सुनो, सरकार की नई योजना आई है। भाई क्या आवाज मार रहा, जो भी व्यक्ति शादीशुदा है और नसबंदी कराना चाहता है उसे सरकार 25,000 रुपए दे रही है। क्या कह रहा है यार यू? तू कह रहा नसबंदी, नसबंदी क्या है सिस्टम? अगर ऐसा कोई हो तो मेरे पास को जाओ जल्दी से। हाँ चल कर पूछे भैया, समझ में आ रही है यहाँ। अच्छा हम चल पूछेंगे। अरे है क्या कोई, अरे जल्दी जल्दी आ जाओ और इस योजना का लाभ उठाओ। क्या मैटर है भाई? मैटर क्या, सरकार की नई योजना आई है,
जो आदमी शादीशुदा है और वो नसबंदी कराना चाहता है तो सरकार उसे 25,000 रुपए दे रही है। 25,000 रुपए यानी कि सेटिंग कूपन हमारी हो जाएगी नसबंदी? अरे तुम्हारी तो बिल्कुल हो जाएगी। अच्छा हो जाएगी सबकी? अरे सबकी हो जाएगी। लाओ फिर 25,000 रुपए लाओ मुझे। अरे रुक जाओ, ऐसे ना मिलते, सरकार के कुछ नियम कायदे कानून होते हैं, लिखित में लेती है सरकार कुछ। क्या है? देखो ये फार्म है। रुक जा, सरकारी आदमी हूँ, खींचा फिरेगा। 25,000 रुपए उल्टे देने पड़ जाएंगे, समझा लो इन्हें। क्यों हाथ लगा रहा, थप्पड़ खाया के मुंह पे? तुम बताओ भाई, तब कैसे कैसे हैं? देखो ये फार्म है कोई? अरे फार्म है, यो नया निकला। देखो यहाँ तो तुम्हारे साइन होने। अच्छा, यहाँ तुम्हारी वाइफ के, बहू के भी चाहिए साइन? बहू के तो पहले चाहिए, शादीशुदा ना हो तुम? शादीशुदा हूँ, शादीशुदा हूँ, शादीशुदा हूँ। यहाँ यहाँ चाहिए फोटो। फोटो लिख रहा है, फोटो लगेगा इनकी भाई का। अरे तुम्हारे चक्कर में मेरा दिमाग और चल गया। यहाँ तुम्हारा फोटो और यहाँ तुम्हारी। अरे लाओ हम पकड़े कॉपी, तुमसे कॉपी ना पकड़ी जा रही। चलो मैं ही पकड़ लूँ। देखो यहाँ तुम्हारे फोटो, यहाँ तुम्हारी वाइफ के। बहू का फोटो भी लगेगा? और लगेगा, मैरिड ना हो तुम? मैरिड तो हूँ। हाँ तो ये देखो, तहसील में जमा करना। पैसे कब मिलेंगे फिर? पैसे जब तुम इसे जमा कर दोगे। हाँ? और तुम्हारे वो पैसे आ जाएंगे आधा घंटे बाद ही। अच्छा तो फिर तारीख मतलब वो नसबंदी कैसे होगी फिर? नसबंदी जो तुम्हारे पैसे आ जाएंगे। हाँ? उसके 3 दिन बाद की तारीख मिलेगी तुम्हें। तो कहाँ जाना पड़ेगा नसबंदी के टाइम? अरे तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत ना, वो तुम्हारे घर ही आएंगे डॉक्टर साहब नसबंदी करने। और खुद ही? और खुद ही घर पे आ जाएंगे तुम्हारे। चलो ठीक है फिर। ठीक है, ठीक है जी, नमस्कार। अरे मिली जाइए उन्हें टाइम पे डॉक्टर साहब को। ठीक है ठीक है, मिल जाएंगे। ठीक है ठीक है जी। अरे क्या कोई अब दूंगा अपनी सेटिंग को फोन, 25,000 रुपए की लॉटरी। अजी मैं कर दूंगी लॉटरी, तुझे पता क्या क्या मांग रहे हैं वो? ना पता कैसे लॉटरी लगी तेरी? लॉटरी लगना गई, नसबंदी करवा लूंगा यार, मुझे बालक करने वाले, कोई दिक्कत रहा? तुझे पता नसबंदी कैसा होगा ना? अच्छा बता तेरी बहू कहाँ है भाई? नसबंदी भी तो जब होगी, जब तेरी बहू होगी। बहू का फोटो, आधार कार्ड और बहू के साइन मांग रहे हैं वो? ऐसी बता बता बता, बिखर रही है लोंडिये तो। साले 25,000 का जुगाड़ का तो अनपढ़ ही रहेगा, ना सोची ना समझी कुछ। तो देख रहा है इसे, गांव का ही अपने हो? कल तुमने गांव का ही भाई? हाँ गांव का ही है। इसका तो ब्याह होएगा, दिखे ब्याह होएगा एक लोंडा भी इस पे। तो इसे जरूरत ना बच्चों की अब? मतलब ठीक ना? अबे तुझे कुछ ना पता, प्यार और जंग में सब कुछ जायज है। तो मतलब तू उसकी नसबंदी करवाएगा? उसकी नसबंदी करवा कर पैसा अब लेंगे। ले 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 ले, ऐसी खेल समझ रहा? तू जाके कहेगा उससे तुम्हारी नसबंदी करनी है और डॉक्टर आएंगे। तुझे तू इतनी मोटी बुद्धि तेरी कहां से हो गई? मैं उससे क्यों कहूंगा तेरी नसबंदी करवाएंगे भाई हम? तो फिर क्या कहेगा? फिर चूतिया माननी है मुझे तू? दिमाग, इतना बड़ा एक्टर ऐसे थोड़ी ना बन गया मैं। दिमाग का इस्तेमाल करा है तब जाके सबसे ऊंचे ओहदे पे हूँ। तुम देख लो आज भी वहीं रह गए छोटे छोटे आर्टिस्ट। एक डायलॉग भी तुम लगातार 30 सेकंड बोल नहीं सकते। यार तुझे बोल जा, पता करना क्या है? करना क्या, मेरे साथ चल तो देख मेरे दिमाग का कमाल मैं क्या करता हूँ। अच्छा तो आज मेरे साथ मत, चूतिया के दिखाए हो। शिवांगी मरते एक गिलास पानी लेगा। मैं क्यों लाऊं पानी? और ऐसा क्या खाया है जब पानी पियोगे? कौन से पहाड़ तोड़ आए तुम? क्या खाया है? कोफ्ते खाए गए हूँ और पनीर खाए गए हूँ और लस्सी थी बूंदी वाली। कहाँ खिला दिया तुम्हें? किसने खिला दिया? कहाँ चले गए? तुझसे क्या कहना गया था मैं? टांडो घर गया था मैं। टांडो 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 भली टांडो हो गई, क्या है उसमें टांडो में जो हम में ना है? तूने तो कही थी मैं रोटी देने की सेक के, मैं तो वही खाई आया जाएगा। तो वो पानी पानी खत्म हो गया था, मैंने सोची मैं घर ही जाके पी लूंगा पानी। चले जाओ यहाँ से, मैंने ला रही पप्पे सप्पे। कौन हो भाई? राम राम भैया। राम 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 भाभी। राम 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 राम। नमस्ते भाभी। कौन ही मार दूंगा साले, चिपक के बैठ रहे, दूर बैठ जाके। मैं साले तुझे तमीज ना बैठ लेगी, इंगा बैठ तू। क्यों भाभी है वो हमारी ना? क्या जाके बैठ, हम बैठेंगे यहाँ। मैं तो मान ली पानी लिया। अरे पानी लेगा, बैठ तो जाओ थोड़ी देर। हाँ पता क्या काम है भैया? समझ लो बहुत मजबूरी में आया तुम्हारे दौरे। अरे क्या मजबूरी है बता तो सही है।
तू इनके को आ जा भाई, तू इनके को आ जा यार। तू मेरे बिना कहीं ना जाता, मेरे से चिपक के बता आ गई हूँ। चुप हो जा भाई, चुप हो जा। क्या हो गया बता तो सही। किस किस गाऊ, किस कौन बांटेगा मेरा दर्द। चुप चुप बता, क्या बात है। क्या तुम मेरी मदद करोगे? मैं ना करने का मदद। दिल पे गुजर रही है, दिल पे दिल पे। लगता है मेरा भाई अंदर ही मर जाएगा। अरे भाई बता तो सही, जभी तो तेरी मदद करूंगा मैं। मेरा बड़ा भाई है ना। हाँ। जेल हो गई। कसूर है बेचारा। बिल्कुल हो गए। अरे एक लोडिया तो सेटिंग चल रही है उसकी। कल तो मैंने ही देखा था। अरे रात तो गया ही है, रात पे ले गई पुलिस। रात ले गई, रात ले गई। मुझे क्या करना बता। अरे तुम्हें क्या करना है, लोडिया ने उनके ऊपर 76 का केस लगा दिया झूठा। अब जेल में सड़ने हैं वो। जब भी मैं मिलाई करने जाता हूँ तो बहुत मार रखा, हाथ पांव सब तोड़ लगे पुलिस ने। सूजे पड़े, सूजे आगे पीछे से चारों तरफ से। मैं क्या कर सकता हूँ? तुम बहुत कुछ कर सको। तुम्हारा एक साइन, एक तुम्हारा साइन इसके भैया की जिंदगी को बचा देगा। मेरा साइन? भाभी का भी। भाभी का भी? हाँ। फोटो दोनों के एक एक, दोनों के एक एक फोटो, एक एक साइन, दोनों के एक एक फोटो। बात मुझे क्लियर करके बताओ, मैं तो तुम्हारी बात समझ गया ना। अरे भैया ऐसा है, थाने में जो जेल में है भैया टैम मुरादाबाद की, तिहाड़ जेल है, काला पानी हो गया उन्हें। तो मैं वहाँ गया छुड़ाने ताई, तो भैया पुलिस वाले बोले भाई छूट तो जाएंगे ये, पर कोई तुम्हारे गांव का जो जिम्मेदार आदमी हो, जिसकी 15-10 बीघे जमीन हो, वह तुम्हारे से बीज बीघा खैर, उसके साइन करवा लाओ, उसकी बहू के साइन करवा लाओ, और दोनों के एक एक फोटो ले आओ, तो तुम्हारा भाई छूट जाएगा। रुक जा, मैं करूंगा तेरी मदद। कर दोगे मेरी मदद? हाँ कर दूंगा भैया, तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान हो जाएगा, इतना बड़ा एहसान हो जाएगा तुम्हारा। मेरा भैया बहुत अच्छा आदमी है, इसलिए मदद कर रहा हूँ मैं। अगर तू होता जेल में तो बिल्कुल नहीं करता मैं। मैं भी अच्छा हूँ वैसे तो। देख मुझे बाद में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अरे भैया कोई दिक्कत ना होने की, बस तुम साइन कर दो अपने, एक फोटो दे दो अपना। हाँ। एक भाभी का साइन, एक भाभी का फोटो। चल ठीक है, वो तो मैं कर दूंगा। लो फार्म लाओ भैया, भाभी को और बुला लो। पेंसिल है की? पेंसिल मेरे पे है की। और भाभी को बुला लो। ए शिवांगी यहाँ कोई है? और अपना फोटो लिया ये। तुम्हारे फोटो मंगवा लो। और मेरे फोटो लिया ये। लो पहले तुम साइन कर लो यहाँ को। कहाँ करना है बता। यहाँ साइन कर दो अपना। कल हुआ बस। क्या कह रहे हो? अरे अपना साइन कर दो। भाभी साइन कर दो यहाँ को अपने। यहाँ को साइन कर दे। यहाँ को साइन कर दो भाभी अपने। कैसे साइन? अलग बतानी पड़ेगी। साले मार दू, कोनी मार दू। जिसका भैया जेल में है तो उसे छुड़ाना है, तो साइन कर दे। अरे छूटा हमारी बल्ला से ना छूटा, मुझे ना बता लो, हम ना कर रहे सिंह में जी। अरे कर दे कर दे कर दे कर दे कर दे। चुप हो जा, बता रही हूँ मैं। कर दे कर दे। हमें क्या फायदा है? अरे ये भले आदमी है, इसका भैया बहुत भला आदमी है, अब तू साइन कर दे ले। यू भला? अरे यू ना, इसका भैया तो भला है। सबकी बहुओं पे तो गंदी निगाह रखे हैं। अरे बस कर दे तू। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मुझे। अरे दिक्कत नहीं होनी चाहिए भैया, भाभी कोई दिक्कत नहीं होगी किसी प्रकार की, हमारी गारंटी है पूरी। अरे हम गांव में तो रहे हैं, कोई गांव छोड़ के तो ना भाज रहे हैं। तुम बस यहाँ को साइन कर दो अपने। गारंटी ले रहे हैं पूरी। यहाँ को साइन कर दो भाभी अपने। यहाँ को कर दे, यहाँ लिख दो अपने नाम। बस बस भाभी तुम्हारा एक फोटो ला दे भैया का। फोटो फोटो तो है ना, खिंचवा के भिजवा दूंगी दोपहर तक। अच्छा फोजा हाथों से फोटो पड़े हैं उसमें, मेरे पर्स में ला के दे दे। पर्स में ना, पर्स में तुम्हारे फोटो में मेरे ना। एक काम करो मेरे हाई खींच लो तुम जाके। अरे भाभी तुम्हारा तो फोन में खींच लूंगा मैं। हाँ 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 हाँ, दिन में भी काम आएगा, रात को भी काम आएगा। अबे क्या कह रहा है? मेरा मतलब है जैसा कभी इमरजेंसी पड़ जावे फोटो उठ की, तो इसमें कह रहा हूँ रात में भजे फिरो, दुकानें खुलवाओ, साइबर कैफे। साले पिट जाएगा, बता रहे हो होश में बोल ले। यहाँ भी मजाक कर रहा है पागल। फोटो खींचे, फोटो खींच भाई। भाभी खींचे तुम्हारा, और खींचेगा खींच जल्दी से। खींच गया भैया। ओए ओए कतई राजेश खन्ना लग रहे हो। ठीक है ठीक। भाभी कितनी काली लग रही है। चलो निकलो तुम यहाँ से। भैया तुम्हारा बहुत बहुत एहसान हो गया, पता ना हमें तुम्हारा एहसान कैसा तारंगे। दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिक्कत नहीं होनी चाहिए बता। अरे भैया कोई दिक्कत ना होने की, हमारे होते हुए। चलो चलो ठीक है भैया। ठीक है जाओ, तैयार रहियो अब तुम।
कैसे? अरे मतलब है मतलब कभी जरूरत पड़ जावे, जरूरत हो सके तो बता देंगे, मैं तो कोई तैयारी होने जरूरत ना। हाँ चलो खुद ही घर आ जाएंगे वो। घर आ जाएंगे क्या क्या? मतलब भैया खुद आ जाएंगे घर, तुम्हारे एहसान हो गया भैया खुद घर आ जाएंगे। अच्छा भैया घर आ जाएंगे, चलो ठीक है। भाभी नमस्ते। क्यों पड़ गए तमन के चक्कर में? अरे इसका भैया बहुत अच्छा आदमी है। भैया अच्छा तो किसी का भला करते फिरोगे तुम? अरे कोई बात ना, किसी का भला कर देंगे, कोई गाली थोड़ी दे रहा है। कौन है भाई? डॉक्टर हूँ। डॉक्टर? हमने तो कोई डॉक्टर ने बुलाया। अरे सरकार के पैसे खा के तुम घर बैठे हो, ये अच्छा काम ना है? हमने कौन से पैसे खा ली सरकार के? पैसे? अच्छा झूठ बोल रहे हो, अगर झूठ बोलोगे ना तो पूरी जिंदगी जेल में सड़ोगे। अरे हम क्यों सड़ेंगे जेल में? ना ही तो हमने सरकार के 1 रुपया खाया, हम क्यों सड़ेंगे जेल में? अरे फालतू बकवास करो, अंदर को चलो पहले। अरे मैं क्यों जाऊंगा अंदर को? अंदर को चलो, अंदर को। अरे मैंने नरेंद्र को, यू तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था फार्म भरने से पहले। हमने कौन सा फार्म भर दिया? अच्छा फार्म भर के झूठ बोल रहे हो, यू कहा फार्म देखियो, दिखाइए फार्म, ये देखो तुम्हारे सी नीचे रहे। और देखो फोटो भी तुम्हारे ही दोनों। यू फार्म तो पांडे ने भरवाया था अपने भैया को जल से छोड़ पाने के ताई। देखो अपने फोटो भी लग रहे हैं। हाँ भैया ये फार्म हमने तो भरा ना, और ये गलती से भरा गया, अरे होगा क्या? होएगा क्या? नसबंदी होएगी तुम्हारी। नसबंदी का फार्म है यू? अरे भैया हमें ना पता, हमने ना भरा फार्म था। अरे इस बात की मुझे ना पता, तुम्हारी नसबंदी होएगी अब, जल्दी आओ। अरे सिपाही बचा मुझे। हाँ तुम क्यों खींच रहे अटार? चलो चलो। अरे डॉक्टर साहब यार मैंने ना करा कुछ भी है। करने से पहले सोचना चाहिए था ये तो। अरे उसे पांडे ने भरा फार्म, मैंने ना भरा कुछ भी है। इस बात का मुझे ना पता, मैं तो करूंगा अब। डॉक्टर साहब देखिए मत करो। डॉक्टर साहब बस छोड़ दो।